हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 15 ऑफ चैप्टर 4। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चल कुंडली धारा मापी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या फिर मैग्नेटिक डायपोल ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक कक्षा में परिक्रमण करता है, यानी कि वो नाभिक के चारों ओर क्या करता है, घूमता रहता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने साथ एसोसिएट करता है एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक डायपोल। तो हमें यही मैग्नेटिक डायपोल जो कि एक परिक्रमी इलेक्ट्रॉन एसोसिएट रखता है उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में भी। तो हमने वहां देखा था कि चुंबकीय द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम इज इक्वल्स टू आई ए, जहां पर आई उसमें से प्रभावित होने वाली धारा और ए उसका क्षेत्रफल को प्रदर्शित करती है। तो अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें धारा पता होनी चाहिए और उसका क्षेत्रफल, राइट। तो क्षेत्रफल को आप देखें तो ये एक सर्कल जैसी शेप में जो है एक गति कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है। तो सर्कल का क्षेत्रफल हमें पता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना होगा धारा कि यहाँ से कितनी धारा प्रभावित हो रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है, यानी कि वहां पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गतिमान इलेक्ट्रॉन है। तो गतिमान इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, धारा प्रभावित होती है। तो वही धारा हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। चलिए, हाँ, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि किसी स्थिर भारी नाभिक जिसका आवेश कितना है प्लस जेड ई, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जो कि माइनस ई आवेश का इलेक्ट्रॉन एक समान वर्तुल गति करता है। इससे क्या बनती है, इससे बनती है वैद्युत धारा। और ये धारा कितनी होती है, ये धारा का मान होता है ई बटे टी। टी क्या है, टी है इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक चक्कर पूरे करने में लगा समय, आवर्तकाल। और हम ये भी जानते हैं कि टी का मान होता है 2 पाई आर बटे वी। अगर हम इस टी की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो हमारे पास आई आ जाता है ई वी बटे 2 पाई आर। यही हमारा है धारा का मान। तो हमारा धारा का मान निकल चुका है। तो अब हम निकाल सकते हैं कि इस परिसंचारी विद्युत धारा के साथ एक चुंबकीय आघूर्ण एसोसिएट होता है। तो यहाँ पर हम चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित कर रहे हैं म्यू म्यू से। ठीक है, तो म्यू से हम यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण को। याद रहे इससे पहले हमने चुंबकीय आघूर्ण को एम से प्रदर्शित किया है, लेकिन इसकी वैल्यू सेम है। देखो आई ए एक जगह हमें रख दिया है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उस वर्तुल जो पथ है उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू रख दी है और आप इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखने के बाद, तो आपके पास आ जाएगा म्यू की वैल्यू ई वी आर बटे दो। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम अगर इस वाले इक्वेशन में एम ई से मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड कर दें तो हमारे पास निकल कर आ जाता है ई बटे 2 mE L। L क्या है, L है कोणीय संवेग। L क्या है, देखिए यहाँ पे L है केंद्रीय नाभिक के परितः उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग हम जानते हैं, कोणीय संवेग L बराबर होता है mvr। ये हम 11th में पढ़ते हैं कि कोणीय संवेग का मान होता है L बराबर mvr। तो हमने यहाँ पे L निकाल दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास कोणीय संवेग और चुंबकीय आघूर्ण के बीच में भी रिलेशन निकल के आ जाता है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, दैट इज म्यू बराबर माइनस ई बटे 2 mE L। यहाँ पर माइनस क्या प्रदर्शित कर रहा है, समझते हैं इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच में हमने रिलेशन को स्थापित किया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है L, उसकी दिशा चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के क्या है, विपरीत दिशा में है। ओके, तो अभी अभी हमने जो इलेक्ट्रॉन था उसको माना था कि वो क्या कर रहा है, उस नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है।
जिस पर आवेश क्या होता है, माइनस ई आवेश होता है। लेकिन अगर उसके स्थान पर हम प्लस क्यू आवेश का कोई कण ले जो कि इस तरह से गति कर रहा है, वर्तुल गति कर रहा है, तो उस समय क्या होगा, उस समय जो कोणीय संवेग होगा और चुंबकीय आघूर्ण होगा उन दोनों की दिशा एक हो जाती है। अगर उन दोनों की दिशा एक हो जाती है तो तब हमारे पास जो चुंबकीय आघूर्ण और कोणीय संवेग का अनुपात निकल कर आता है वो आ जाता है ई बटे टू एम ई, यानी कि परिमाण समान है, बस दिशा जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो म्यू अपॉन एल है, यानी कि जो ये अनुपात है उसको हम कहते हैं घूर्ण चुंबकीय अनुपात। ये एक नियतांक होता है, यानी कि एक कॉन्स्टेंट होता है इलेक्ट्रॉन के इस अनुपात का मान, यानी कि इस घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है 8.8 × 10⁻¹ कूलाम प्रति किलोग्राम। तो आपको ये याद रखना है, इसका ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या होता है, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आते हैं बेस्ड, तो आपको जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी होगी, उसके बाद आप इसका चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम ये पढ़ते हैं कि बोर, जब आप बोर मॉडल पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के संबंध में जिन्होंने दिया था, तो वहां पे हम ये देखते हैं कि कोणीय संवेग, उन्होंने हमें कोणीय संवेग के बारे में बताया था कि कोणीय संवेग का जो मान होता है वो होता है एच अपॉन टू पाई का एन टाइम्स, यानी कि एल बराबर होता है एन एच अपॉन टू पाई, ये हमें याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब परिक्रमण करता है तो उसके साथ एक चुंबकीय आघूर्ण एसोसिएट होता है और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी है। तो हमने इसके बीच में और एल के बीच में, दैट इज कोणीय संवेग के बीच में यहाँ पर एक संबंध स्थापित करा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चल कुंडली धारा मापी या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये क्या होता है, देखिए यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग हम किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा को डिटेक्ट करने के लिए, यानी उसको पता करने के लिए कि वहां से धारा प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है, और धारा का मापन करने में करते हैं। इसके और भी उपयोग है जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसका जो मेन इंपॉर्टेंस है वो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो धारा मापी होते हैं, इसके नाम से आप देख सकते हैं धारा मापी, यानी कि धारा को मापने का एक यंत्र है ये। क्योंकि किसी भी वैद्युत परिपथ में हमें पता करना है कि वहां से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कोई विद्युत धारा पास हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए हमारे पास कोई डिवाइस होनी चाहिए, तो वो होती है धारा मापी। आपने एमीटर का नाम अगर सुना होगा तो एमीटर जो होता है वो भी धारा मापने का काम करता है ना। तो आप सोचेंगे कि धारा मापी और एमीटर में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि जो धारा मापी होती है वो कुछ मतलब छोटी मात्रा में धारा को मापने का कार्य करती है। हम कह सकते हैं माइक्रो एम्पियर की धारा ही ये माप पाता है। इससे ज्यादा कि एम्पियर की धारा अगर हम इसमें प्रभावित करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये खराब हो सकता है, ये हमें रीडिंग नहीं देगा। जबकि जो एमीटर होता है उससे हम बड़ी मात्रा में जो धारा होती है उसका मापन कर सकते हैं। एम्पियर, जो एम्पियर होती है 10 एम्पियर तक की धारा जो होती है उसका मापन हम एमीटर से कर सकते हैं, जबकि धारा मापी से हम उसका मापन नहीं कर सकते। तो जानते हैं चल कुंडली धारा मापी का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये कैसे काम करती है। तो यह एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन किया जाता है, संसूचन मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं। चल कुंडली धारा मापी की जो क्रिया होती है, जो भी ये कार्य करता है वो किस पर बेस्ड होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर आधारित होता है। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है, लेकिन अगर शॉर्ट में हम बोले तो चुंबकीय क्षेत्र में, यानी इसमें कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र का, ये चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही कुंडली, यानी ऐसी कुंडली जिसमें से ये कुंडली है जिसमें से कोई धारा जो है प्रभावित हो रही हो, उस कुंडली में जब धारा प्रभावित होती है तो उससे उत्पन्न होता है बल आघूर्ण, और इसी पर आधारित है ये पूरी घटना, किसकी, धारा मापी की। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं और समझते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि चल कुंडली धारा मापी में दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखिए, ध्रुव खंड है, इसके बीच में लगी होती है एक एल्यूमिनियम की फ्रेम। तो जो आपको ग्रे ग्रे कलर का दिख रहा है वो है एक एल्यूमिनियम की फ्रेम। उस एल्यूमिनियम की फ्रेम के ऊपर होता है तांबे के पतले तारों से लिपटी एक कुंडली। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हमने समझ लिए हैं, पहला होता है चुंबक चुंबक के दो खंड, उसके बाद बीच में रखी होती है एक एल्यूमिनियम की फ्रेम और उसके ऊपर रखी होती है तांबे के पतले तारों से लिपटी एक कुंडली। ठीक है, कुंडली आप देख सकते हैं तारों वाली कुंडली है जो इस तरह से यहाँ पे रखी गई है।
इस कुंडली से एक संकेतक लगा होता है। जो कुंडली आप देख रहे हैं, ये कुंडली जो है उस पे एक संकेतक, यानी संकेतक है ये वाला संकेतक। क्यों? क्योंकि ये संकेतक ही हमें क्या देगा, ये संकेतक ही हमें रीडिंग देता है कि धारा मापी में उस परिपथ में कितनी धारा प्रभावित हो रही है। तो इस संकेतक की हेल्प से हम रीडिंग को पढ़ पाते हैं। कुंडली के दोनों सिरों पर दो स्प्रिंग लगे होते हैं। जो कुंडली आप देख रहे हैं उसमें एक स्प्रिंग होगा। जो आप देखेंगे, ये जो गोल गोल सा यहाँ पे लगाया गया है, ये एक स्प्रिंग है। इसका भी अपना कोई काम, इसका भी अपना एक काम होता है, जो हम देखेंगे अभी क्या काम होता है इसका। कुंडली के विक्षेप को पढ़ने के लिए इसमें एक संकेतक लगाया जाता है। जैसे से मैंने बताया आपको अभी कि संकेतक क्यों लगाया गया है, विक्षेप यानी कि कुंडली में जितना अधिक डिफ्लेक्शन होगा उसके रीडिंग को पढ़ने के लिए हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया है कि इस तरह से यहाँ पे ये जो है धारा मापी होते हैं। तो एक बात यहाँ पे और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो होता है एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी तक हमने जो चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था वो बिल्कुल ऐसा चुंबकीय क्षेत्र अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे जो लीनियर एक रेखीय चुंबकीय क्षेत्र था। लेकिन यहाँ पर हम उस चुंबकीय क्षेत्र को यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम करेंगे एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र। आप देख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पे रखी गई है। तो इसका भी मेन मोटिव ये होता है, बेसिकली हम इसको आगे देखेंगे कि जो धारा मापी होता है उसको इस तरह से डिजाइन करना होता है कि इसमें कुंडली में से जितनी धारा प्रभावित हो, जितनी धारा हम इसमें से प्रभावित करें उसका विक्षेप, विक्षेप को मान लेते हैं फाइ से हम प्रदर्शित करते हैं, उसका विक्षेप उसके अनुक्रमानुपाती रहे, आय जो है उसके अनुक्रमानुपाती रहे। तो ये हमें यहाँ पे जो है रिजल्ट में चाहिए होता है। ठीक है, तो विक्षेप इसलिए क्या हुआ, इस कुंडली से जितनी धारा प्रभावित होगी, जितनी धारा इससे प्रभावित होगी तो इस कुंडली पे क्या कार्य करेगा, इस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जो बल आघूर्ण इस कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करता है। तो ये कुंडली जब घूर्णन करती है, जब घूमती है, तो उसी के साथ ये संकेतक जो होता है वो भी घूमता है, ये संकेतक भी घूमता है। तो हम अगर देखें टॉ बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, एन आई ए बी एन आई ए क्रॉस बी, राइट। तो हम ये पढ़ते हैं एन आई ए क्रॉस बी बल आघूर्ण का सूत्र में, राइट। इसको अगर हम खोले तो हम देखते हैं टॉ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको कॉन्स्टेंट रखने के लिए वो जो थीटा है वो हमेशा 90 डिग्री पर रहे, उस मान को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है वो हमेशा चेंज ना हो, बल्कि वो हमेशा 90 डिग्री पर है, राइट। और ये हम तभी अचीव कर पाएंगे जब एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करते हैं। तो इस वाले पार्ट को अभी हम आगे समझ रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात हम समझ में आ चुके हैं संरचना के बारे में। तो होता क्या है, जब हम कुंडली में एक धारा जब प्रभावित करते हैं, तो हम जानते हैं कुंडली पर धारा प्रभावित करने पर क्या उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बाद हम जानते हैं कि जो क्रोड है वो अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया है तो उस कुंडली पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, और बल आघूर्ण का सूत्र हम जानते हैं वो होता है एन आई ए बी साइन थीटा, जहां पर थीटा क्या है, कुंडली के तल पर लंब की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा के बीच का कोण। इसको कांस्टेंट रखने के लिए ही हम, ताकि हमेशा जो है 90 डिग्री का कोण बने, इसके लिए ही हम एक समान त्रिज्या चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करते हैं। एन क्या है, एन है कुंडली में फेरों की संख्या। जबकि आगे हम देखें आई क्या होता है, आई होता है कुंडली में प्रभावित धारा। बी क्या होता है, बी होता है चुंबकीय क्षेत्र। बी होता है चुंबकीय क्षेत्र और ए होता है कुंडली का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं यहाँ पे हमें थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री रखनी है। तो इस केस में हमेशा हमारे थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री ही आती है, और साइन 90 होता है 1, तो हमारा बल आघूर्ण का मान हो जाता है टॉ बराबर एन आई ए बी। तो यह बल आघूर्ण क्या करता है, उस कुंडली में घूर्णन की प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगती है। कुंडली से तो क्या होगा, कुंडली जब घूर्णन करेगी, मान लो कुंडली ने इस तरह से घूर्णन करा,
तो उसके उस पे लगा जो संकेतक है वो भी क्या करेगा, वो भी डिफ्लेक्ट होगा, वो भी क्या करेगा, वो भी घूमेगा और हमें रीडिंग देगा। लेकिन जब ये घूर्णन कंप्लीट हो गया तो हमें क्या करना होता है, उस कुंडली को उसकी उसकी जस्ट जीरो वाली पोजिशन में लेके आना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए उस कुंडली पर लगा होता है एक स्प्रिंग। वो स्प्रिंग क्या करता है, कुंडली से जुड़ी क्रोड़ में कुंडली के विरुद्ध बल आघूर्ण के फाइ उत्पन्न हो जाता है। जो स्प्रिंग होता है वो उस कुंडली का जो बल आघूर्ण है उसके विरुद्ध एक बल आघूर्ण दैट इज के फाइ उत्पन्न करता है, जो कुंडली के बल आघूर्ण एन आई ए बी को संतुलित करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साम्यावस्था यानी संतुलित अवस्था में क्या होगा, जो के फाइ होगा, जो स्प्रिंग का एक कुंडली के बल आघूर्ण के विरुद्ध जो बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहा है दैट इज के फाइ हो जाएगा बराबर एन आई ए बी के, जहां पर के क्या है कुंडली का ऐंठन नियतांक है और फाइ क्या है उस गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेपण। तो हम यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि आई बराबर आ जाएगा सी बटे एन बी ए। सी क्या है, सी कांस्टेंट हमने मान लिया है, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट में आएगी, यानी कि आई बराबर हो जाएगा के फाई बटे एन बी ए, यानी के फाई को हमने कांस्टेंट रख दिया है। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि आई बराबर आ जाएगा के फाई, के भी एक कांस्टेंट है तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ से हमारे पास आ चुकी है जो कि रिजल्ट हमें चाहिए था, यानी कि जितनी धारा उससे प्रभावित होगी किससे कुंडली से उतना ही वहां पे विक्षेपण वो प्रदर्शित करता है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, अर्थात इस प्रकार कुंडली में प्रभावित धारा उसमें उत्पन्न विक्षेपण के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं रिव्यू की। हमने देखा परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र हमने डिराइव किया, हमने जल कुंडली धारा मापने पढ़ा कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का संसूचन किया जा सकता है इसके द्वारा। जल कुंडली धारा मापी की जो क्रिया हुई है अब आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या था। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण पर यह पूरी क्रिया आधारित होती है। बल आघूर्ण का सूत्र हम जानते ही हैं, साम्यावस्था में क्या होता है कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाता है। तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम जानेंगे कि धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है और वोल्टेज की सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता और वोल्टेज सुग्राहिता हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण भी देखेंगे। तो थैंक यू।